Hi guys, welcome to my channel Easy Glam with Nisha. मैं हूँ निशा. So friends, hope you all are doing good. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फीमेल इंटीमेट हाइजीन के ऊपर. तो आपको टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे पैंटी लाइनर्स के बारे में. सो फ्रेंड्स, पैंटी लाइनर्स के बारे में बहुत लोग अवेयर होंगे, लेकिन स्टिल मैं अभी भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके लिए पैंटी लाइनर्स अभी भी नया है और वो अभी भी पैंटी लाइनर्स के बारे में नहीं जानते हैं. तो मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि एटलीस्ट कुछ लोगों की मेरे वीडियो से हेल्प हो सके. सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि पैंटी लाइनर होता क्या है. तो पैंटी लाइनर बिल्कुल सैनिटरी नैपकिन की तरह होता है, लेकिन वो हमारे जो सैनिटरी पैड्स है उसके तरह लंबा नहीं होता और ना ही उसके जितना वाइड होता. वो बिल्कुल छोटा सा होता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. तो फ्रेंड्स, ये होता है पैंटी लाइनर. आप देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल छोटा सा है. और ये मेरे पास है सैनिटरी पैड, तो आप देख सकते हैं दोनों का साइज कितना छोटू सा है. ये पैंटी लाइनर और ये सैनिटरी पैड आप देख सकते हैं कितना बड़ा है. लेकिन ये जो पैंटी लाइनर है, इसको आप पीरियड्स में जो हैवी फ्लो वाले दिन होते हैं उन दिनों में आप बिल्कुल भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं. ये बिल्कुल छोटा सा है. और यहाँ पे ये मैंने जो आपको दिखाया है, ये वाला पैंटी लाइनर है एवरटीन का. मैं एवरटीन वाला मैंने यूज किया है, देख सकते हैं आप. और मैं आपको इन दोनों का साइज भी आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ. एक सैनिटरी पैड का आप साइज देख सकते हैं. ये मेरे पास जो पैड है ये स्टी फ्री का है, अल्ट्रा एक्स वाला जो होता है, एक्सेल जो बड़ा साइज होता है. आई थिंक सो ये 315 mm का है. और ये मेरे पास यहाँ पे ये जो पैंटी लाइनर है ये मेरे पास है 180 का. आई थिंक सो ये 180 का ही है. आप ये देख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं. देखिए, एक जो सैनिटरी पैड है वो कितना बड़ा होता है और ये कितना छोटा सा होता है. तो ये बिल्कुल छोटू सा है, आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं और पूरे दिन बिल्कुल फ्रेश एंड ड्राई फील कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे आजकल पैंटी लाइनर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आजकल आपको डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाएंगे. तो आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कोई भी पैंटी लाइनर आप अपने लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन मैंने जो अभी तक यूज किया है वो एवरटीन का किया है. कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइज ये. तो यहाँ पे मैंने किया है ये एवरटीन का. इसमें आप देख सकते हैं ये 36 पैंटी लाइनर्स आते हैं. और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये 100% कॉटन है, और जो कि हमें बिल्कुल 100% कॉटन वाले ही यूज करने चाहिए. प्लस ये बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सेंट नहीं है, कोई भी इसमें स्मेल या कुछ भी नहीं है. तो और इंडिविजुअली ये एक एक जो पैंटी लाइनर है वो एक एक इजिली रैप किया हुआ होता है. साथ में इसमें ऑर्डर कंट्रोल है और ब्रीथेबल है. तो ये एक प्लस पॉइंट है पैंटी लाइनर का जो मैं यूज कर रही हूँ एवरटीन का. आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, टोटल आपका चॉइस है. तो फ्रेंड्स, देखा ये इतना बिल्कुल छोटा सा, और इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल पतला सा है. अगर आप इसको अपनी पैंटी में लगाएंगे बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा. ओके फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं कि इस पैंटी लाइनर को कब कब यूज करना चाहिए. तो कई बार क्या होता है कि गर्ल्स को वजाइनल डिस्चार्ज होता है. मोस्टली ऐसे दिन होते हैं, कई बार हम वेटनेस फील करते हैं अपने वजाइनल एरिया में. तो ऐसे दिनों में जब हम डिस्चार्ज फील करते हैं तो उन दिनों में हम ये पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार जाके अपने पैंटीज को चेंज करें या फिर आप इतने बड़े बड़े सैनिटरी नैपकिन यूज करें. उससे बढ़िया है कि आप उन दिनों में इस पैंटी लाइनर को आप यूज कर सकते हैं और पूरे दिन बिल्कुल आप फ्रेश और ड्राई फील कर सकते हैं. मोस्टली क्या होता है, हमें वजाइनल डिस्चार्ज होता है बिफोर पीरियड्स. कई बार पीरियड्स जब आने वाले होते हैं उससे कुछ दिन पहले हमें वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, या फिर कई बार पीरियड जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी वाइट डिस्चार्ज होता है. तो उन दिनों में भी आप इस पैंटी लाइनर को यूज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, आप इसको पीरियड्स के लास्ट दिनों में यूज कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, जब आपको हैवी फ्लो होता है पीरियड्स में उन दिनों आपको ये यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ज्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. तो आपका जैसे पीरियड्स का फोर्थ डे है या फिफ्थ डे है, जब आपको लगता है कि पीरियड्स हो चुका है लेकिन आपको स्पॉटिंग होने का डर होता है, तो उन दिनों आप हैवी सैनिटरी नैपकिन यूज करने की जगह आप ये थिन सा पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं और बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं.
तो जो भी गर्ल्स वर्कआउट करती हैं या जो भी हैवी लिफ्टिंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं या फिर ज्यादा जंपिंग वगैरह करती है, ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा जो गर्ल्स रहती हैं, तो कई बार उनको क्या होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो उन दिनों में आप नैपकिन यूज करने के जगह, सैनिटरी नैपकिन यूज करने के जगह, आप ये पेंटी लाइनर यूज कर सकते हैं और आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी गर्ल्स मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हैं या फिर टैम्पॉन्स यूज करती हैं, तो कई बार उन लोगों को डर होता है स्पॉटिंग का, तो ऐसे दिनों में आप एज अ बैकअप आप इसको पैंटी लाइनर को आप अपने पैंटी में स्टिक कर सकते हैं। तो काफी गर्ल्स को या लेडीजों को भी प्रॉब्लम होती है कि हंसते हुए या कई बार ना यूरिन निकलता है, तो यूरिन थोड़ा निकलता है, तो उन टाइम पे भी या उन दिनों में भी आप पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी बार बार जो है पैंटी वेट ना हो, आप उसकी जगह पे ये पैंटी लाइनर भी यूज कर सकते हैं। कई बार फीमेल्स को क्या होता है, इंटरकोर्स के बाद वजाइनल डिस्चार्ज होता है या वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम पे भी आप आफ्टर इंटरकोर्स आप ये पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल ड्राई फील करें, फ्रेश फील करें एंड कॉन्फिडेंट फील करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए कुछ पैंटी लाइनर्स के यूजेस। अब बात करते हैं कि पैंटी लाइनर यूज करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, तो जब भी आप पैंटी लाइनर यूज करें, आपको विद इन 3 to 4 hours आपको चेंज करना है, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब भी जरूरत हो, आपको लगता है कि जैसे आपके वेट डेज हैं, तो उन दिनों में ही आप ये पैंटी लाइनर यूज करें, अदरवाइज एक्सेसिव इसका यूज ना करें, क्योंकि आपका जो वजाइनल एरिया है वहां पे भी स्किन को ब्रीथ करने की नीड है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप डेली, आप ऑल्दो इसको डेली यूज कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि इन दिनों आपको रिक्वायरमेंट नहीं है पैंटी लाइनर यूज करने की, तो उन दिनों आप कंप्लीटली पैंटी लाइनर को अवॉइड करें। नेक्स्ट, जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है, ध्यान रखिएगा आप जो भी पैंटी लाइनर यूज करें वो 100% कॉटन हो और कोई भी उसमें किसी भी तरीके का सेंट ना हो, बिल्कुल ही सेंट फ्री हो, अदरवाइज आपको के जो वजाइनल एरिया है वहां पे इचीनेस, रेडनेस और रैशेज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वजाइनल स्किन है उसको भी ब्रीथ करने की नीड है। तो इसीलिए आप जो भी पैंटी लाइनर यूज करें वो कॉटन हो एंड 100% सेंट फ्री हो। तो फ्रेंड्स, पैंटी लाइनर बिल्कुल ही ट्रैवल फ्रेंडली है, सभी फीमेल्स गर्ल्स सबके पास ये होना चाहिए। आप अपने जीन्स के पॉकेट में, इवन आप अपने वॉलेट में, हर जगह आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली आपको टाइम से पहले कई बार पीरियड्स आ जाते हैं, तो उन दिनों में आप एक दो घंटे के फ्लो को होल्ड करने के लिए आप हैवी सैनिटरी पैड्स यूज करने से अच्छा है कि आप ये पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रेवल फ्रेंडली है ये। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो पैंटी लाइनर के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पे एवरटीन का पैंटी लाइनर यूज कर रही हूँ। आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, जो भी आपके लिए कम्फर्टेबल हो। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं एंड आई थिंक सो अब ऑफलाइन भी आपको स्टोर्स पे भी काफी जगह अवेलेबल है। तो एवरटीन का ये 199 का है, जिसमें 36 पैड्स हैं, और ये 36 पैड्स हैं प्लस ये बिल्कुल कॉटन है, तो एंड सेंट फ्री है, तो इसीलिए मैंने हमेशा यही यूज किया है, मुझे यही बेस्ट और कंफर्टेबल लगा है अभी तक। तो आप टोटली, आपका चॉइस है, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी पैंटी लाइनर्स यूज कीजिए और अपने इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखिए और ड्राई रखिए अपने एरिया को, कंफर्टेबल रहिए, फ्रेश रहिए, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिकली अगर आप फ्रेश फ्रेश फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। तो होप फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी यूजफुल रहेगा। अगर यूजफुल रहे और ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियोज को पोस्ट करूं, आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन गर्ल्स के साथ भी जिनके लिए टॉपिक नया है, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।